गई भाई, इसके टायर तो रपटते हैं, फिर भी पास दे दिया भाई। हाँ यहाँ से दिखा दीजिए। सही है, आप देखोगे आप पूरी तो पहले मानी छोटी थी, आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। दादा मैं कक्षा 8 तक याली स्कूल पे, और उसके नीचे जस्ट पे ही मंदिर भी है। तो आज भी थोड़ा लेट ही आए हम, तो अभी अंधेरा हो चुका है और नीचे इस टाइप का भी है। अगर इस टाइम सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट बॉय केविन। तो सुबह शाम के 5 बज रहे हैं, आज की वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए कहीं अलग जगह जहाँ आपने नहीं देखी होगी, तो वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ शाम को ठंडा होता है तो इससे थोड़ा बाहर से एक और बीच पहन लेते हैं, तो भी चलते हैं। तो वीडियो बने ना, और इंस्टा फॉलो करने के लिए यू क्या केविन या बेस्ट बॉय केविन जो भी करोगे आ जाएगा। तो वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी बन रही है अभी शाम की चाय, और अभी शाम हो चुकी है तो इसमें रख रही है चाय। और अभी बाहर शाम हो चुकी है पूरी, देख सकते हो ये, और कुछ ऐसे ही नहीं रहा है। और दुकानें आज बंद थी, क्या संडे था, तो अभी चाय आई पी लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे आराम से। तो ये जो सुबह जिसका पर्स गया था उसको वापस कर दिया है। तो सुबह जिसका पर्स गया था वो किस टाइम पे आया था? अरे तो तभी मैंने, मेरे को तो पहले ही पता था, जिसे मैं ऊपर वीडियो बनाने के लिए नहीं गया था तभी आ गए थे। तो ये मैंने से कहा था हमारे लड़के से मिलना है, मैंने लगा वो तो कहाँ गया, वो ऊपर गया वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो मेरी कहीं तीन दो, मेरे को सुबह ही पता था, तूने मेरे को पता था ना वो कब आता है, कब नहीं, कब आता है वो दे दिया। शिव शिव बहुत खुश हो रहा था बेचारा। तो ये वीडियो मेरी एक दिन पुरानी रहती है, यानी कि जैसे आज 200 रुपए का नोट तुम्हारे बेटे को दे देना कर था, मैंने बोला नहीं नहीं पकड़ा मैंने। अच्छा कितने 200 रुपए खा दिए उसने, अब ये 200 रुपए क्यों दूं मैं? कुछ तो हुआ बेचारा, हमारा ही बटवा कहीं खोया रहेगा, हमको कोई देगा, हमको कितनी खुशी होगी, हम तो कहेंगे भाई पूरा पैसा पकड़ो जी। सही, इम्पोर्टेंट सामान है, आईडी है बेचारे की, एटीएम कार्ड है, पहचान पत्र, क्या क्या था उसके। हाँ हाँ चल चल चाय भी लेते हैं। दोस्तों चाय उबल गई है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा था कहीं घूमने के लिए, और यहाँ पे मिल रखा है एक दोस्त, यानी कि इसका नाम है मोहित। तो अभी ये कहीं काम से बिजी था, यानी कि भाई का डांस है, डांसर है भाई, और जो है ये सब भाई की टीम है। और जो है यहाँ पे भाई का जो है डांस क्लास है, तो कुछ ये सीन है जो कि अभी बन रही है डांस क्लास। तो अभी हम जाएंगे घूमने के लिए, तो मैं अकेले जा रहा था। तो दोस्तों अब चल रहे हम साथ में, तो उस भाई को भी पकड़ लिया मैंने, मोहित भाई को, तो वो पीछे बैठे हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अलग रोड पे, तो ये रोड आपने नहीं देखी, उस दिन मैंने दिखाया था बट मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया। तो उस दिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, क्योंकि उस दिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो उस दिन मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको दिखाऊंगा। तो आज वहीं जा रहे हैं, तो गाड़ी बहुत वो कर रही है अभी, तो चलते हैं अभी। तो यहाँ की बहुत कच्ची रोड है, तो उस दिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो उस दिन मैं आपको नहीं दिखा पाया था, लेकिन आज पूरा तगड़ा भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ का सुसाइड पॉइंट कह सकते हो आप इसको। तो इस रोड में यार चलाने में यार गाड़ी पूरी कहो जाती है ना यार, आवाज़ करती पूरी गाड़ी, तब मतलब यारी रोड में, पक्की रोड में बिल्कुल नहीं करती आवाज़। तो गाइस अभी चल रहे हैं हम, और उस दिन नहीं दिखाया था, तो उस दिन प्रॉमिस किया था मैंने, तो आपको दिखाऊंगा। यहाँ से भी दिखा सकता हूँ मैं, बट यहाँ से पूरा नहीं दिखेगा। तो आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा, इससे तगड़ा देखने के लिए इससे टॉप पर जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से जा रहे हैं टॉप पर, अभी कैमरा फिक्स बैठ रखा है ना भाई, तो चलते हैं अभी। यहाँ पे रोड है ना, तब तो गाड़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है, इसलिए मैं अभी आराम से चला रहा हूँ। तो कुछ ये सीन है भाई, लेकिन इसकी ज़्यादा वॉइस नहीं आती वीडियो में, लगता नहीं होगा, जितनी आवाज़ गाड़ी करती है उतनी नहीं आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ वैसे बेसिकली शाम को लोग घूमने भी आते हैं, तो सभी लोग आते हैं, यानी कि पूरे मार्केट के लोग यहीं इसी साइड को आते हैं घूमने के लिए। तो हम भी उसी साइड को जा रहे हैं, बट हम बहुत ऊपर जाएंगे तो आपको देख के काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ से करती है दूसरी रोड, यानी कि अंदर की, और ये रोड भी ले गया हम आपको सीधी वाली रोड को। इस रोड को देखने के लिए आपको पुरानी ब्लॉक देखनी पड़ेगी। तो ये दूसरी रोड की ओर चढ़ गए हम, तो आपने देखा होगा काफ़ी तगड़ा आता है वहाँ पे, बहुत लोग मिल गए थे। तो यहाँ को सभी लोग आते हैं ज़्यादातर घूमने के लिए, एक तो सुबह के टाइम आते हैं और एक शाम के टाइम पे आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है। हाँ ठंडी का हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सही है, आप देखोगे आप पूरी, तो पहले मानी छोटी थी, आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो आपने वैसे स्टार्टिंग में भी देख लिया होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे रोड
रोड देख सकते हो कई भयंकर है। यहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो कोई तो कार भी आ गई भाई, इसके टायर तो रपटते हैं, फिर भी पास दे दिए भाई। हाँ यहाँ से दिखा दीजिए, तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हो थोड़ी बहुत, और हम यहाँ से उसी जगह में आ रहे थे। तो आज भी थोड़ा लेट ही आए हम, तो अभी अंधेरा हो चुका है और नीचे इस टाइप का व्यू है। अगर जिस टाइम दिन के टाइम पे आते तो काफ़ी तगड़ा व्यू होता, और ऊपर से देख सकते हो सूर्य भी अभी चले जा चुके हैं, और कुछ ये सीन है। और पहले यहाँ पे पढ़ता था मैं कक्षा 8 तक याली स्कूल पे, और इसके नीचे जस्ट पे ही मंदिर भी है यहाँ पे, और यहाँ पे डैम है। किसके लिए, किस काम के लिए बताया तेरे को? कौन सा ये डैम? पानी का है वो, पानी की टैंकी है वो। तो पानी का पूरा पानी यहाँ से आता है, मुआनी की पूरी, मतलब मुआनी की टैंकी हो, जहाँ भी पास होता है पानी उसी से होता है। तो सही बोला भाई ने। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से ऊपर पे, यहाँ से ऊपर और भी तगड़ा। टॉप पे तो मिलते हैं ब्रो, ऊपर टॉप पे जाके। तो चलो ठीक है दोस्तों, अभी हम उससे भी ज़्यादा टॉप पे आ चुके हैं, लेकिन आज अंधेरा हो चुका है, 5 से ज़्यादा हो गया डैम, तो इसलिए थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। और यहाँ भी गड्ढा ही बनाया हुआ, तेरे को पता है? अगर बारिश होगी तो मतलब पानी सब यहीं जाएगा, अगर वहाँ अगर बारिश में अगर पानी इकट्ठा हो गया नीचे को आएगा तो पूरा मट्टी बहा के ले जाएगा, जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए जो नई रोड बनी यहाँ पे तो उसमें नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो सही दिमाग लगाया। तो नीचे भी देख सकते हो यहाँ का भी, ये पूरी मुहानी है, और मैं रहता हूँ यहाँ पे। तो ये पहले छोटा कस्बा था, अब पूरा मार्केट बन गया है काफ़ी लंबा, कुछ टाइम तक ये यहाँ तक फैल जाएगा। और वो लास्ट वाले पहाड़ देख रहे हो आप, तो वो पहाड़ होता है, उस पहाड़ के बारे में एक कहानी है, तो उस पहाड़ पे जाने हैं। जानता हो कौन सा पहाड़ है? कौन सा, वो टॉप वाला जो लास्ट पहाड़ है? हाँ टॉप वाला। तो वहाँ की स्टोरी ये है कि वहाँ से नीचे एक जो है एक मतलब राक्षस जो है पत्थर फेंकता है, अगर आप उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करोगे इस टॉप पे, इसके टॉप पे। हाँ तो मतलब एक स्टोरी है। तो अब हैं नहीं है तेरे को पता, तेरे को नहीं होगा, लेकिन मेरे को पता है यार, कई लोगों से सुना है मैंने यहाँ पे। तो अब इस पे कितनी सच्चाई है तो नहीं पता है, बट अब बोलते हैं ऐसा। तो कुछ ये सीन है, पहले सूर्य यहाँ पे आया होगा, फिर नीचे चले गया डाउन पूरा। तेरे को पता ही नहीं है इस बारे में पक्का? मैंने सुना ही नहीं कभी, तूने कभी पूछा नहीं होगा। मैं एक दिन यहीं पे बैठा था ना नीचे पे, तो मेरे को मैंने पूछा मतलब संदीप दा से, उसने बताया, संदीप दा को जानता ही होगा, तो वो बता रहा था। तो आज तो थंबनेल भी नहीं ले पाएंगे यार, इस टाइप का हो रहा है सीन। और पीछे से कट करके बना लेना किसी बात का। हाँ तो यहाँ यहाँ की कोई नहीं है इस टाइप की स्टोरी भूत वाली। तो यहाँ पे वैसे कैंपिंग कैसी रहेगी तो बता यार, कैंपिंग ये कितना अच्छा है देखना यार, सबसे टॉप पे है। और अगर रात को हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे ना भाई, तो यहाँ पे अगर हम कहीं आ, चलो यहीं पे बनाएंगे जहाँ पे ये है, यहाँ ऐसे पार्टी आटी होती रहती है, नहीं देख रहे हो? हाँ तो होती रहती है, सबसे बेस्ट जगह है मतलब पार्टी आटी करने के लिए। तो यहाँ पे कैंपिंग कैंप रहेगा, तो और यहाँ से नीचे एकदम व्यू, रात के टाइम पे सारी घरों की लाइट ऑन रहती है, काफी तगड़ा व्यू आएगा। लेकिन उसके लिए जो है थोड़ा वो चाहिए, क्या बोलते हैं, तो तगड़ा सीन रहेगा। तो अभी चलो, तो दोस्तों अभी मैं बचाऊँ बहुत शाम को, यानी कि रात हो चुकी है, अभी 7 बज गए हैं, तो ऐसे लेट ही गया था मैं, तो बाय बाय।